नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार कुकिंग क्लास में होली के लिए रायता बनाना बताएंगे। आप लोगों को क्लास में तीन प्रकार का रायता बनाना सिखाएंगे। रायता हम अपने ही बगीचे में अभी जो जो उपलब्ध है उसी का बनवाएंगे, जैसे बथुआ का रायता, कच्चे अरहर की रायता और कद्दू के फूल का रायता बनाना बताएंगे। तो इसमें लगने वाली सामग्री बताते हैं। तीनों में एक एक पाव दही लगेगी, काला नमक, एक चुटकी सोंठ पाउडर और एक चुटकी हींग डालेंगे। ये देखिए, ये सब बगीचा से ही लाए हैं। हमारे बगीचे में जो जो अभी हुआ है उसी से बनवाएंगे। इसको बनाना, रायता बनाना तो एकदम सरल है और इसकी सामग्री बाजार में भी, सब्जी बाजार में ये तीनों चीज सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैसे बथुआ में अगर बीज है तो अलग कर दें, बीज को नहीं डालना है रायता में, खाते समय अच्छा नहीं लगेगा, इस प्रकार बीज को अलग कर देंगे। इसमें अरहर में जो सूखा वाला रहेगा उसको अलग कर देंगे, सूखा वाला को नहीं डालेंगे। और ये बहुत जल्दी मुरझाता है, जैसे आज ताज़ा तोड़वाए हैं तो आज ही हम मुरझाने लगे, बहुत जल्दी मुरझाने लगता है। और चलिए अब आप लोग अरहर को छिलिए, इसका छिलका निकाल के दाने निकाल लीजिए, सूखा वाला नहीं डालेंगे। दाना निकालिए आप लोग छिल करके। चलिए, ये हम बगीचे से तो तोड़ लिए हैं, आप लोग भी हमारे बगीचे से ये तीनों सामग्री तोड़ कर ले आइए। ध्यान रखिए, बथुए की सिर्फ पत्तियों को तोड़ना है, उसके दाने बीज नहीं तोड़ना है, सिर्फ पत्तियों को ही तोड़ कर के ले आइए। तीनों सामग्री आप लोग बगीचे से तोड़ के ले आइए। हाँ, उसको रहने दो, फल आ गया। तो मैम, इतना हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये बथुआ है, इसको बस पत्तियों को तोड़ना है, पत्तियों को। Thank you.
मैम इतना हो जाएगा? हाँ कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। ये देखिए ये तीन प्रकार की रायता जो बनाएंगे उसके लिए एक एक पाव दही मत लिए हैं। चाहे तो आप एक साथ ही छौंक लगा के अलग अलग तीन हिस्से में कर सकते हैं। और ये अरहर जो हम अपने बगीचे से लिए थे इसको उबाल लिए हैं। इसको उबालना जरूरी है अरहर को। देखिए उबालने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए इसको उबाल लिए हैं। और बथुआ को ये भी बगीचा से लिए थे, इसको सिर्फ गर्म पानी में डुबाना है। बथुआ को इसको उबालना नहीं है, गर्म पानी में डुबाना है, इसको उबालना है। और इसको जो कद्दू का फूल है इसको छौंकने के बाद गर्म रहेगा दही उसी में डाल देना है। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धो के उसमें डाल देना है। अब देखिए छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए एक चुटकी हींग डालेंगे और एक चुटकी सौंठ डालेंगे बस। चाहे तो आप एक ही बार में छौंक करके तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। एक चम्मच तेल डाले हैं और सब में नमक एक एक चम्मच नमक डालेंगे। एक एक पाव दही हम तीन बार में छौंक लिए। जब इसमें उबाल आए तो अरहर वाले को उबलते हुए में डालेंगे और बथुआ ये जो पत्ती है ये गर्म पानी में डुबा है इसको भी गर्म रहेगा तब डालेंगे। पर इसको उतारने के बाद इसको डाल के चम्मच चला देंगे बस, इसको उबालना नहीं है। देखिए जब इसका छिलका राहेर का अरहर का जब छीलेंगे तो ये ब्राउन कलर का निकलता है। उबालने के बाद इस प्रकार हरा हो जाएगा। उबालने के बाद हरा पर छीलेंगे तब यह ब्राउन कलर का रहेगा। देखिए इस बार होली में स्पेशल कुकिंग क्लास लिए हैं जिसके लिए रायता बनवाए हैं। यह रायता तीन कलर में बनी है। ये है अरहर के दाने की रायता, ये कद्दू के फूल का रायता और ये बथुए की पत्तियों का रायता। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग भी बनाइए। और इसमें यदि आप चाहें, यदि आपको हींग पसंद ना हो तो हींग ना डालें, हमने तो एक चुटकी ही डाले हैं। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो होली में आप भी बनाइए रायता रंग बिरंगा। हाँ एक चीज़ तो आप लोगों को बता दें, इस रायता की सभी सामग्री आप लोगों को मार्केट में ही मिल जाएगा। हम भले ही अपने बगीचे से तोड़वाए हैं पर ये सब मार्केट में मिल जाएगा। और इन सब में सेंधा नमक ही डाले हैं, सेंधा नमक डाल करके बनाए हैं।